मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अर न्यू व्लॉग। और आज आपको पता ही है कि व्लॉग मैंने क्यों चालू किया है, बिकॉज टुडे आई हैव प्लान्ड अ सरप्राइज फॉर सूरज। और क्योंकि सारा एग्जीक्यूशन से प्लानिंग सब कुछ हम करने वाले, तो आज उसके हाथ में हम कैमरा नहीं देंगे। शायद कभी गलती से उठा ले तो नहीं पता, बट आज उसको कैमरा नहीं मिलने वाला है। और मैंने आज एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज प्लान किया है जो मैं आपको भी नहीं बताऊंगी। हालांकि जब वो उसी तैयारियां हम करेंगे तब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, बट अभी नहीं बताने वाली हूँ मैं। और हमारा जो लोकेशन रहेगा बेसिकली सरप्राइज का, वो सूरज का रूम ही रहेगा। यस, नो, अभी पता, इन लोगों को भी नहीं पता ठीक से कि क्या हो रहा है। हाँ, इसको तो पता है क्योंकि कल ये सारी मतलब हर्ष और मीकू गए थे सारी चीज़ों को प्लान करने के लिए। मैंने जिनको जैसे बताया था चीज़ें सारी लेने ये लोग गए थे, बट अभी चिया को आइडिया नहीं है, चिया को मैं बताऊंगी। और यार और भी लोग इन्वॉल्व है पर वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, धीरे धीरे आपको अपने आप पता चल जाएगा। ऑल्सो गाइज, क्योंकि यहाँ पर इस घर में जैसे झाड़ू पोछा तो आंटी करी जाती है, बट फिर भी हम लोग क्योंकि काम वगैरह करते रहते हैं डस्टिंग अच्छे से नहीं हो पाती, तो आज हम लोग डस्टिंग भी करेंगे, घर पूरा साफ करेंगे। क्योंकि ऐसे तो यार मज़ा नहीं आएगा जब तक घर अच्छे से साफ नहीं होगा। तो हम लोग अभी लग रहे हैं घर की सफाई में, और उसके बाद में हर्ष आएगा, उसके बाद में आपको बताऊँगी हम लोग क्या कर रहे हैं। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं ये जो भी कर रही हूँ वो मैं एक अलग से कैफ़े लेके और वैसे करूँगी, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि घर पे करना ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जो चीज़ आप हाथ से करते हो उसमें एक अलग ही मज़ा आता है, और सामने वाले को भी एक अलग ही फील आती है। तो मैं सब कुछ, मैं, हर्ष, मीकू, चिया मिलकर करने वाले हैं सारा डेकोरेशन, एवरीथिंग। और वो कैसा होगा क्या होगा वो तो हम आपको बताएंगे। स्टार्ट कर रही हूँ मैं इस डाइनिंग टेबल से, इस टेबल से, क्योंकि इन पर सब पे हाथ के जो प्रिंट्स हैं वो छप जाते हैं, वो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आते। और उसके बाद हम, ये देखो, गेस्ट रूम, मैं कभी इसमें एंटर नहीं होती, इसका वॉशरूम सिर्फ ये लोग यूज़ करते हैं, मैं कभी यूज़ नहीं करती, बट देखो इसकी हालत क्या कर रखी है। सूरज की अलमीरा है, सारे कपड़े बाहर है। और उसके बाद हम जाएंगे इस वाले रूम में जिसमें हम पूरा सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं रखने वाली, अच्छे से उनको अच्छे से रखूंगी। देखो ये अभी कैसे करके चला गया है, सब कुछ साफ करते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग। फोन भूल गया था तू दोनों? हाँ, हैप्पी वैलेंटाइन डे। हाँ सही है, आ जा। जब तेरे को बोलूं कि कमरे में बैठ जा तो मतलब बैठ जाना। ओके, जूस तो पी ले। हाँ, जूस तो पिला के चल। आज कैमरा भाई इन लोग के पास ही रहेगा। यशी, आज मेरे पास नहीं रहेगा ना बिल्कुल भी कैमरा। चलो कोई बात नहीं, हमने सारे घर की सफाई कर ली है। और आपको जैसे पता ही है सूरज आ गया, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। हर्ष अभी गया है सरप्राइज के मेन पार्ट को लाने, जब वो आएगा तो हम पहले ही सूरज को अंदर कर देंगे, रूम में लॉक कर देंगे, और फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा कुछ बताऊंगी। यहाँ से चला जा, गेट आउट, आउट, यहाँ से चला जा। दो मिनट के अंदर यहाँ से गायब होना चाहिए तू। चल, गेट लॉस्ट। आज जो मैडम जी बोलेंगी वो मैं करूंगा। हेलो गाइस, देखो कौन आया है पीछे पीछे। डोरेमोन आया, डोरेमोन आया। आंटी, आंटी नमस्ते। अब कोई गेस कर सकता है आंटी क्यों आई है, बताओ। देखो गाइस, बच्चों से बोल रहे हैं। देखो क्या होता है, वैलेंटाइंस डे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मनाया जाता है, बीवी ये वो, लेकिन देखो पहली वैलेंटाइन तो मम्मी होती है कि नहीं? मम्मी होती है ना, तो आज एग्जैक्टली तो वैलेंटाइंस डे ऐसा जरूरी नहीं आप सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मनाओ या अपनी बीवी के साथ मनाओ। वैलेंटाइंस डे इज टू सेलिब्रेट एवरी रिलेशनशिप, एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग आंटी इज एन सूरज रिलेशनशिप इन अ वेरी डिफरेंट वे। आज मैंने आंटी के लिए एक अलग से आउटफिट, कल रात को जब मीकू और हर्ष गए थे ना तो हम लोग आंटी के लिए एक सुंदर सा रेड गाउन देख के लाए हैं। आंटी को हम अच्छे से रेडी करेंगे और सरप्राइज करेंगे। सूरज ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोच सकता, उसे लग रहा है कि मैं ऐसे ही कुछ करूंगी, लेकिन ये चीज़ उसके दिमाग में आने वाली नहीं है। मैं आंटी के लिए भी सरप्राइज था। आंटी बताओ आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा। अभी तो आंटी रेडी होंगी, मैं आंटी को पूरा रेडी करूंगी। अभी उसका रूम भी रेडी होना है, डेकोरेटर, क्योंकि कल क्या था, संडे था, तो सारे डेकोरेटर, सारे फोटो फ्रेम्स वाले सब लोग ऑलरेडी क्लोज कर चुके थे, तो जब तक हर्ष पहुंचा सब कुछ बनता, लेकिन फिर भी हर्ष ने जैसे तैसे मैनेज किया। में पहुंचे शॉप के पास, भैया बंद बंद है, वो भी बंद है। फिर फाइनली हम वैशाली गए, एक शॉप थी जिसपे नंबर लिखा हुआ था उसका। हाँ। तो मैंने उसे कॉल करा, बोलो भैया ये बनाना है। उन्होंने बोला भैया एक दिन में तो नहीं बनेगा, मैं का एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ, जितना आप बोलोगे। हाँ। कल तक मिल जाएगा भैया। चलो तो अभी मैं आंटी को रेडी करूंगी, और सूरज के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी है जो आंटी ही उसको देगी। केक वगैरह सब कुछ रेडी है ना? ये गिफ्ट तो आंटी को खुद को नहीं पता। अच्छा, आंटी को नहीं पता। चलो ठीक है आंटी, आप भी देख लेना, तो अपन रेडी करना स्टार्ट कर देते हैं आंटी को, है ना? सबसे बात कर लेता हूँ। ठीक है, डन, मजा आएगा भाई। बहुत सुंदर है यार, तो हाय कौन गया? अरे कॉफी वाला है, कॉफी देख तो सर, देख कौन है, कॉफी वाले अंकल होंगे। हां
हाँ जल गया चाहिए कॉफी दिखा 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 यार आंटी आप तो बहुत ही सुंदर लगोगे इसमें तो परी लगोगे आप सुंदर है ना बहुत सुंदर बहुत सुंदर हमारी जो नया कलेक्शन लॉन्च हुआ है उसका मैंने प्रॉपर हॉल बनाया है और उसी का वीडियो मैं अभी अपलोड पे लगा दिया है मैंने जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसके बाद मैं आंटी को तैयार करना चालू करूंगी आंटी बड़ी एक्साइटेड है क्या बोलते हो आंटी खुश है खुश हो बच्चे कुछ करेंगे तो फिर खुशी होंगे बस आज आपको एकदम परी बना देंगे हम ठीक है ये देखो हमने रेड कलर की बेडशीट अलग से मंगवाई है हम इसको बिछा देते क्योंकि डेकोरेटर भैया नीचे ही है और वो रूम हमें एकदम क्लीन करके उनको देना है ताकि वो अच्छे से डेकोरेट कर पाए हर्ष फ्रेम्स का क्या सीन है चल ठीक है तू कुछ खा ले पहले आज तूने भी कुछ खाया नहीं अभी तक तो मेरे हिसाब से मैं नाश्ता तो करके आया था मुझे पता था आज काम रहेगा तो मैं नाश्ता करके आया था चल फिर भी तू कुछ खा ले ऑर्डर कर ले ना देखो आज मैंने भी रेडी पहना है बट मैं भी अभी चेंज करूंगी अरे ये तो पहले गद्दा रेड है यार आंटी पता है हमने टेडी बेयर डे के लिए ना बहुत अच्छी चीज सोची थी लेकिन ये सूरज पहले ही लिया है फिर मैंने सोचा आप छोड़ो कोई बात नहीं अब नेक्स्ट पे करेंगे उसमें भी आप ही हो डेकोरेटर भैया आ गए इस पूरी फ्लोरिंग जितनी दिख रही है ना वहाँ गुब्बारे आंटी का मेकओवर वैसे आंटी की कल एनिवर्सरी भी है तो आंटी फिर आप कल तक रेडी रहना ऐसे सो जाना आप आंटी सोएगी कैसे चलो ड्रेस आंटी आप पहले पहन लो क्योंकि अगर अपन बाद में पहनेंगे ना तो मेकअप वेकअप से खराब हो जाएगी जाओ ड्रेस पहन के आओ माय गॉड आओ चल के आओ चल के आओ Oh my God, bridesmaid बनी है आज। आंटी आप बताओ आपको मेकअप आर्टिस्ट कैसा लगा आपका अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है और क्या लो आंटी देखो खुद को बताओ कैसे लग रहे हो ये रहा ये रहा मिरर अच्छा इसके पीछे कैसा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा आंटी मुझे कह रही मैं पहले से कभी तैयार नहीं हुई आंटी मतलब खुश हो गई आज हाँ अब देखना आपका बेटा आपको देखिए तो खुश होता है मैं भी हो गई हूँ थोड़ी बहुत रेडी और मेरी ड्रेस अभी मीकू लेकर आ रही है घर से और मैं और सूरज आज दोनों ही हमारे जो नया सुयश क्लोथिंग का कलेक्शन निकला है ना उसमें से कुछ पहनने वाले हैं और दोनों मैच भी करने वाले हैं ये तो मैंने उसको कल ही कह दिया था मैंने कहा कल अपन मैचिंग क्लोथ्स पहन रहे हैं और सारा सब कुछ एवरीथिंग इज रेडी बस केक आना बाकी है जो हर्ष और मीकू लेने गए हैं एक दो चीज़ें हैं जो बाकी है इसके अलावा हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड है बस सूरज का वेट कर रहे हैं हम लोग दिस इज माई ब्यूटिफुल ड्रेस और हमारी कलेक्शन में से आप समझ ही गए होगी कौन सी वाली ड्रेस है ये ड्रेस ना मैं पहले अपने बर्थडे पे पहनने वाली थी पर क्योंकि सब कुछ लॉन्च नहीं होता इसलिए मैं पहन नहीं पाई तो मैंने सोचा आज एकदम परफेक्ट डे आज पहनती हूँ आज तो आंटी आपको बोलने का मन कर रहा है आप बहुत सुंदर लग रहे हो आंटी के हमने बालों में ये रोज लगाए हैं सुंदर से हम रिसेप्शन के लिए तो तैयार हूँ अंकल को भी बुलाई लेती हूँ मैं आज आपका वैलेंटाइन डे और बना देती हूँ अलग से माय गॉड फॉर अ सेशन ये दिखा 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 और ये देखो सूरज और आंटी की फोटो और इधर भी सूरज और आंटी की फोटो कम ऑन आंटी कैसा लगा सबको सरप्राइज दे रही हूँ क्या आज सबको आंटी को बिठाना कहाँ है आंटी को यहाँ बिठा बहुत सुंदर हाँ सुबह आंटी बड़ी खुश है अच्छा लगा देख के गिफ्ट बाद में देना पहले फूल देके क्या बोलोगे हैप्पी वैलेंटाइन डे वेरी गुड सिखा दिया चलो चलो गेट इन चुपचाप से चल लो और है ना जाले दूर दूर बताइए जाले की जरूरत चलिए ये नहीं ना खड़ी है आंखों में हाथ रख दो हाँ एक बार तो आंखों में कमरे तक तो रखी दो अभी तो ये वैसे भी उस गेस्ट फिर भी ला रहा है गाइस एक्चुअली क्या मैं कपड़े चेंज नहीं करके आया तो कपड़े चेंज करने मुझे मेरे इतना प्यारा सा आउटफिट पहनना मेरे आउटफिट दे दो भाई मेरे को वो तो सब दिख रहा है कैसे आगे बात किए यू रेडी या ओ ये अरे तू रहने दे तू भैया आप हाथ लगाओ यार नहीं 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 मैं ही लगा ओके रेडी रूराज रुको
और अभी लाइक सुबह से तैयारी में बैठे। 3 2 1 हैप्पी वैलेंटाइन डे। कैसी लग रही है आंटी? उधर ना देख रहा हूं। उधर ही देख देखो। उधर देखो उधर उधर उधर। और भाई साहब आंटी जाओ 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 आंटी जाओ। यार मम्मी वो भी तेरी। कैसी लग रही है ना? अपनी बीवी के साथ गर्लफ्रेंड के साथ सभी मनाते हैं, बट पहली वैलेंटाइन कौन होती है? मम्मी होती है ना। दो सिंगल भी तो है। कुछ नहीं पहचान भी नहीं है प्लान भी रहा था लेकिन एग्जीक्यूशन पूरा हर्ष ने करा। कल ही बता दी थी कल मैं गया उड़ता हुआ। कल इनको लेके गए। आपको नहीं पता चला था? अनुज को मना करी थी। और सुबह में जाके आया हो तो तू तो आया ही नहीं था। वेरी गुड आंटी, वेरी गुड, वेरी नाइस एक्टिंग आंटी। को प्लान करेंगे अब। यार मजा आ गया। अरे यार सूरज यार गलत बात है भाई यार। इन्होंने एक तो काट ले भाई, एक तो काट ले भाई। यार ये तो ना वैलेंटाइन अलग लेवल का बना दिया भाई। बोला ना प्लान कर दो फिर हम कुछ अच्छा ही प्लान करेंगे। समझ गया ना सूरज? अरे यार ये तो मैं तेरे को देख के पता नहीं मेरे को ये क्या हुआ यार। टेस्ट कर पागल। मैं भी यही था, मैं ऐसे आ गया ना ये आ रहा है थोड़ी देर तक मैं सोच रहा था। भैया इतनी सुंदर फोटो क्लिक हुई ना आंटी की, वो स्टेटस पे लगाएंगी दे दे। हां दे 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 दे। अरे यार भाई तू पूछे मत, आंटी स्टेटस तो खूब लगाती है। और तू सारे देखता है? हां मस्त प्लान बनाया, मस्त बना गया, मजा आ गया भाई। जब ही बोल रही थी दोस्तों सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। और सही में ये तो मैं सोच ही नहीं सकता था। मैंने कहा कुछ बुके वुके इसने ला के रखा होगा, कुछ गिफ्ट विफ्ट खतरनाक लग रहा है यार। गुड़िया सी लग रही है। मम्मी तो 18-19 साल की हो गई यार एकदम से। बच्चों ने कर दिया, बच्चे पहना है ये तो मम्मी पहन लेगी, मम्मी पहनती नहीं थी। नहीं नहीं मस्त लग रही हो, मस्त। चलो मजा आ गया, मेरा आज का दिन तो जबरदस्त हो गया। मेरा मेरी जिंदगी मेरी उम्र लग जाए मेरे बेटे को। अरे दे दे, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। तू बता, मेरे से ज्यादा खुश ना मम्मी हुई है आज। इतनी खुश हो गई ना इन चीजों से। मतलब उनको ना पूरे दिन हमने नहीं दिखाया, तू आया ना उसके जस्ट 10 मिनट पहले दिखाया। वो मैंने रिकॉर्ड किया है। नहीं उनको वो ड्रेस वगैरह पहन के उन्होंने पहली बार किया ना, मुझे बताया मस्त। वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। थैंक यू। चलो ये दिन तो मैं शायद कभी भूलूंगा नहीं जिंदगी में। मुझे नहीं लगा था कि वैलेंटाइन डे को इतना प्यारा सा दिन बना दोगे, बट मजा आ गया। हल्के मिले ना दिखता तू खतरनाक है पूरा दिन में यार। बर्थडे का वेट कर रहा हूं मैं मेरे। कैसा है कल एनिवर्सरी है तो थोड़ी सी उसकी भी तैयारी कर। मम्मी डैडी से जाके उसी के बारे में बात कर लेते हैं, डिस्कशन चल रहा है हमारा। मम्मी डैडी भी हमारा साथ दे रहे हैं। यस, तो अभी काफी सारा कुछ करना है। यस सबको थैंक यू, सबको थैंक यू, सबको थैंक यू। मैं तो एप्पल पॉट से मान गया। थैंक यू तेरा पास रख और मेरी माने तो 2 मिनट से ले ले। थैंक यू सूरज।
और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि हमारा आउटफिट कैसा लग रहा है आज का। और हमारा न्यू कलेक्शन लाइव हो चुका है, कल भी हमने व्लॉग में बोला था, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए जाकर, आपको मजा आ जाएगा देखकर भी और पहनकर भी। हाँ, और मैंने एक हॉल भी बनाया है जिसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक में पागल हो गई, और वो भी आप जाके देख सकते हैं, उससे आपको सारी डेट्स पता चल जाएंगी। एंड आई रियली होप कि आपको सब अच्छा लगा। बिल्कुल, और बस कमेंट करके जरूर बताना सब चीजें कि आपको कलेक्शन कैसा लगा, और जब भी शॉप करो तब हमें बताना जरूर। एंड इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के प्लीज मेंशन करना, हम लोग सबको रिपोस्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं गाइज, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, ये तो पक्का एंजॉय किया होगा बहुत तगड़े तरीके से। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं कल, बाय बाय।